इसको छोटा छोटा पीस काट के अब उबाल देंगे अच्छा से। ये मिट्टी में होता है ना। और देखिए यहाँ पे पौधा दिखा देती हूँ मैं कैसा होता है। हाँ लगा रखा है ना। हाँ लगाए हैं। इसको पानी में डुबा कर रख देंगे, इसका मिट्टी फूल जाएगा। जब मिट्टी फूल जाएगा तो हम बढ़िया से इसको धो लेंगे। ये देखिए पानी बैठा दिए हैं, इसमें हम जमीकंद उबालेंगे। इसको धो देते हैं। जमीकंद के सब्जी के लिए हम अदरक लहसुन कूट देते हैं। ये देखिए हमारा जमीकंद उबल चुका है, तब इसको हटा देते हैं। उबालने के बाद इसको हम छील देते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसी में जमीकंद डाल देते हैं। तड़का डाल देते हैं। लहसुन अदरक कुटा हुआ, फिर डाल देते हैं। और इसमें अनलिमिटेड जूस निकलता है। और इसी नींबू का अचार भी डालते हैं लोग। यहीं पे पिसा मसाला डाल देते हैं, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, पिसा हुआ सरसों है ये, इसको भी डाल देते हैं। पानी डाल देते हैं ताकि मसाला पक जाए बढ़िया से। जीरा काली मिर्च का पाउडर भी डाल देते हैं। गरम मसाला डाल देते हैं। अब मसाले में ही जमीकंद भुना हुआ डाल देते हैं। हम नमक भी डाल देते हैं। मसाले के साथ हम जमीकंद को 2-3 मिनट भून लेंगे। अब पानी डाल देते हैं। यहीं पे जो नींबू का हम जूस निकाले थे उसको भी डाल देते हैं। इससे गला नहीं काटता है। जमीकंद की सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। दिखा रही हूँ कि हमारे टीम में कौन कौन है। महीना हो गया कौन देखो भाई। अरे पतिजा जी हमारे पूरी रखे अभी रोज हम बैठ के बात करेंगे थोड़ी देर।
अब हम पूरी छान लेते हैं खाने के लिए। हाँ पूरी छान लेते हैं हम। ये देखिए हमारी पूरी कितनी अच्छी फूल रही है सारी। ये देखिए हमारी पूरी कितना बढ़िया फूल रही है।